हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया कि पुरानी दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, बट थोड़ी तबीयत ढीली होने की वजह से हमने ये प्रोग्राम चेंज कर दिया। हमने का मतलब कि मैं और मेरी पूरी फैमिली जाने का प्लान कर रहे थे, बट प्लान चेंज होने के बाद हमने डिसाइड किया कि रादर देन गोइंग टू पुरानी दिल्ली, वी विल गो टू द राजधानी थाली रेस्टोरेंट विच इज़ इन कनाट प्लेस। दिल्ली NCR में रहने वाले लोग इससे अच्छी तरह से जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार ज़रूर जाइए, उनके खाने का टेस्ट इंजॉय कीजिए। जितनी बार भी मैं गया वहाँ, इसके पहले भी 2-3 बार जा चुका हूँ, हर बार अलग टेस्ट मिला मुझे खाने का, कुछ नई चीज़ें टेस्ट करने को मिली, और सभी चीज़ें इतनी अच्छी थी कि आपको खाने से आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। ये होगा कि कुछ और टेस्ट कर लें, कुछ और टेस्ट कर लें। और एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अगर आप यहाँ जा रहे हैं, पार्किंग की थोड़ी सी दिक्कत होगी, प्लस अगर आप पीक आवर्स में जा रहे हैं, पीक आवर्स यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे और संडे नाइट्स के टाइम होते हैं जबकि काफ़ी भीड़ होती है, तो सीटिंग का थोड़ा चैलेंज हो सकता है। बट अगर आप ऑफ आवर्स में जा रहे हैं, खास करके डे टाइम में, तो सीट मिल जाती है, पार्किंग भी सामने मिल जाती है। अदरवाइज़ आपको फिर DMC की पार्किंग में पार्क करना पड़ेगा गाड़ी और पैदल आना पड़ेगा। बट ये सारा एफर्ट वर्थ है अगर आप एक बार यहाँ का खाना एंजॉय करते हैं। और यहाँ की जो सबसे अच्छी बात है कि रेस्टोरेंट थोड़ा छोटा है बट प्राइम लोकेशन पे है, और खाने की वैरायटी इतनी है कि आप शायद पूरी प्लेट फिनिश ना कर पाएँ। खाने के साथ साथ खाने के बाद ड्रिंक्स और फिर कुछ स्वीट्स आपको सर्व की जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बाहर से काफ़ी बड़ा सेटअप नहीं लगता है, बट यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ की जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है। प्लेट्स में छोटी छोटी कटोरियों में ढेर सारी सब्जियाँ, दाल, रायता, स्नैक्स, हलवा, 3-4 तरह की तो चटनी ही सिर्फ उन्होंने सर्व की होगी, इसके अलावा राइस, रोटियाँ, कई तरह की रोटियाँ और खिचड़ी, छाछ, ये यहाँ के फूड है। और इसका मेन्यू बेसिकली है ऐसा कुछ नहीं, और जब जो भी किचन में होता है वो आपको सर्व किया जाता है, उसके क्वांटिटी तो कम होती बट नंबर इतना ज़्यादा होता है कि आप सब कुछ फिनिश नहीं कर सकते। यहाँ की एक प्लेट आज लगभग 630 के अराउंड पड़ी, 630 रुपीज़ के अराउंड पड़ी, और खाना हमने इतना खा लिया कि हमें डिनर स्किप करना पड़ा। वहाँ से निकलने के बाद ये हुआ कि ओल्ड दिल्ली जा तो नहीं सकते बट एक चक्कर ज़रूर लगा सकते हैं, सो इंडिया गेट होते हुए हम लोग पुरानी दिल्ली की तरफ बढ़े। और जो एक्सपीरियंस मुझे रहा वहाँ जाने का पुरानी दिल्ली, वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि पहले जब हम जाया करते थे तो सड़कें इतनी चौड़ी नहीं थी, ट्रैफिक जाम्स लगा करते थे लंबे लंबे, और आज रिलेटिवली लेस ट्रैफिक थी और रोड काफ़ी चौड़ी कर दी गई है, जिसकी वजह से ड्राइविंग काफ़ी इजी हो जाती है। काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, सामने बिल्डिंग जो दिख रही है आपको, ये विकास मीनार है, विकास मार्ग पर लक्ष्मी नगर के बगल में, हम लोग पहले यहीं रहा करते थे लक्ष्मी नगर में, और अक्सर वहाँ से जाना होता था ओल्ड दिल्ली। वो एक्सपीरियंस और आज का एक्सपीरियंस काफ़ी बदल चुका है और काफ़ी अलग था आज का एक्सपीरियंस। पुराने दिल्ली, लाल किला और चांदनी चौक को घूमते हुए हम वापस घर की तरफ चल दिए। रास्ता काफ़ी इंजॉय किया हमने, इवन तो गर्मी है, धूप है, उमस है, बट इसके बावजूद भी ड्राइविंग काफ़ी प्लीजिंग थी।
बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, उनकी पसंद की काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने आज टेस्ट की, देखी। दिल्ली के बारे में, उन जगहों के बारे में जहाँ मैं पहले रह चुका हूँ, उनकी डिटेल्स बच्चों के साथ शेयर किया, बताया जब दिल्ली में अपना करियर स्टार्ट किया था किस तरह से हम लोग रहा करते थे। अक्सर हम लोग इंडिया गेट की तरफ से वापस आया करते थे ऑफिस से, और वहाँ पे इतनी सारी एग्जिट्स हैं इंडिया गेट के अराउंड की हम अक्सर मिस कर जाया करते थे, और इंडिया गेट की कई सारे चक्कर लगाने के बाद हमें वो रास्ता मिला करता था। तो एक्स्ट्रा तेल खर्च होने का थोड़ा तकलीफ भी होती थी, बट आज भी तकलीफ तो होती ही है, बट हम उतना ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। वापस लौटते समय हम सब ने मौसमी के जूस का आनंद लिया। आजकल मार्केट में हरी और खूब खट्टी वाली मौसमी आ रही है, जिसको आप अगर सिर्फ नमक के साथ पिए तो बहुत ही टेस्टी लगती है, साथ में हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। विटामिन सी से भरपूर और पेट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन या छोटे मोटे कट्स हों अगर, तो उनको ये फिल करने में हेल्प करती है। जहाँ भी आपको आजकल मौसमी मिले आप ज़रूर उसका मज़ा लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले ब्लॉग में मैं कार सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, क्या रीज़न था कि मैंने अर्टिगा ही ली, और इसके साथ क्या प्लान है मेरे, किस तरह का कस्टमाइजेशन मैंने कराया है और किस तरह से डिसीजन लिया मैंने इस कार को लेने का, इन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगले ब्लॉग में कुछ और इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।